जय हिंद, नमस्कार। आज 22 अप्रैल की थर्ड शिफ्ट का रिव्यू हम करवाने जा रहे हैं दोस्तों। पहली जो दो शिफ्टें हैं उनका रिव्यू हम आपको दे चुके हैं, मॉर्निंग और नून की, ठीक है। ये इवनिंग की लास्ट शिफ्ट है आज की, और इसी के साथ जानेंगे कि इस शिफ्ट में क्या रहा है लेवल और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी सब्जेक्ट के। तो चलिए जानते हैं इन भाई से। आपका शुभ नाम? कृष्णपाल सिंह। कहाँ से हैं आप? मंदसौर। कैसा रहा पेपर आपका? जोरदार। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? मैंने 48 किए। 48 किए। तो अब आप क्वेश्चन जितने याद हैं बिल्कुल आराम से, फ्री माइंड से, ठीक है, पहले क्वेश्चन याद कर लीजिए, फिर बताइएगा कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, ताकि इन रिव्यू से क्या है कि जो बच्चे आएंगे कल से, जैसे एग्ज़ाम है किसी का परसों है, ठीक है, दो तारीख तक, कितनी तारीख तक चलेगा? तीन तारीख तक चल रहा है ना, तो आने वाले बच्चों को हेल्प मिले, क्योंकि हम देखते हैं कि सिर्फ पैटर्न बदलेगा क्वेश्चंस का, बाकी सिलेबस तो सेम रहेगा। तो बताएं आप जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे? जैन भाई हो, जीके बहुत ही नॉर्मल आया है। अच्छा, केवल एक क्वेश्चन जनसंख्या से आया है, जनसंख्या में साक्षरता दर कितनी रही है, और क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ रहे हैं, केवल थोड़ा सा जनरल साइंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा है, बाकी कुछ नहीं है, सब ऊपर ऊपर से पूछ रहे हैं। साइंस क्या था? साक्षरता में, साक्षरता दर, मतलब जो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर, साक्षरता दर कितनी थी? ओके, और कौन सा क्वेश्चन था? और पूछा था उसमें कि अपने अपने संविधान के थ्रू जितने कितने, मतलब कि दो स्तर है या फिर तीन स्तर के अपने संविधान के, मतलब वो अंग पूछे थे क्या कि कितने अंग होते हैं? यस सर, ये संविधान यानी संसद जो होता है ना, उसमें से लोकसभा और राज्यसभा दो भाग होते हैं, और एक राष्ट्रपति भी अंग होता है, तो ये अंग तीन होते हैं उसके, ठीक है। तो अंग पूछा था कि भाग पूछे थे संसद के? संसद के मेरे क्लियर याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अलग था इसमें, अंग और भाग नहीं पूछा था उसमें। उसमें संविधान में ऐसा ही कुछ पूछा था, संविधान में कितने, मतलब कि भाग है, अभी पूछा था उसमें। अच्छा, कितने भाग थे? हाँ, भाग कितने थे? अच्छा, जैसे हाँ समझ गया मैं, है ना, जैसे अनुसूचिया कितनी है, भाग कितने हैं, वो भी नहीं था, है ना, उसमें ऑप्शन ही थे 2, 3, 4 और 5, बस चार। अच्छा, यही ऑप्शन थे, ठीक है भैया। तो और कोई क्वेश्चन? मैथ्स में बहुत ईजी क्वेश्चन, मुझे एक एलसीएम पूछा था और एक एससीएफ का, एससीएफ का था 4 और 5 का, एससीएफ क्या है, और औसत का पूछे थे 2 क्वेश्चन, एक में केवल, और एक क्वेश्चन सरलीकरण का था, बहुत नॉर्मली प्लस करना था केवल। देखिए भाई ने सरलीकरण का बताया, औसत से बताया, एलसीएम एचसीएफ से पूछा था, ठीक है भाई लोग बताएंगे। तो साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन था, एवरेज से? एवरेज से 2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन थे, और आयु के क्वेश्चन थे क्या? आयु का क्वेश्चन नहीं था, अनुपात का था, एक अनुपात का क्वेश्चन था। अनुपात में किस टाइप का क्वेश्चन था? एक था अमित और अमिता, 2:3 के रेशियो में उन्हें 10 चॉकलेट बांटी गई, तो अमित के हिस्से में कितने आई? अच्छा, बहुत इजी लेवल था, बस उनको खाली गुणा करना था जिसका पूछा, और उसका भाग करके वो कर देना, सोल्व कर देना था, है ना, तो मॉडरेट लेवल का था। अच्छा, नंबर सिस्टम से था क्या? नंबर सिस्टम से नहीं था, श्रेणी समांतर श्रेणी में था, रीजनिंग में था। अच्छा, समांतर श्रेणी में था, ओके। रीजनिंग में और क्या था? कोडिंग डिकोडिंग, रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आया था, और एक सीरीज का था, अल्फाबेट सीरीज का। अल्फाबेट सीरीज का, नंबर सीरीज का था? नंबर सीरीज का नहीं आया था। अच्छा, और डायरेक्शन का? डायरेक्शन का नहीं था, सीटिंग अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट का, वो नंबर काउंट करने थे कि आगे से पांचवा और लास्ट से छठा हिस्सा है, तो उसका उसमें पंक्ति में कितने लड़के बैठे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब रैंकिंग थी, रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया था, और कैलेंडर डाइस पासा इनसे कुछ था? हाँ, एक क्वेश्चन था अपने, इनमें से कुछ नहीं था, जैसे साइन वाले क्वेश्चन थे क्या, मैथमेटिकली ऑपरेशन में नहीं था, है ना, पेपर बहुत ईजी था, मतलब बना सकते हैं बच्चे। क्या मैसेज दोगे जो बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ने के, कि किस तरीके से आप? जैसे मैंने पेपर दिया, मैंने 20 मिनट में पूरा पेपर कर दिया था। अच्छा, बहुत ईजी लेवल है, केवल जीके थोड़ा सा आपको पढ़ के आना पड़ेगा, और साइंस तो ऊपर ऊपर से पूछ रहे, 1-2 क्वेश्चन आपको बसाएगा, उसको छोड़ दीजिए, बाद में करना आराम से, बाकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत सरल है। अच्छा, बहुत अच्छी, ईजी, मतलब जो बच्चा एक नॉर्मली पढ़ के आएगा। क्या लेवल है? 10th 8th लेवल? हाँ, मतलब 8th से नीचे नहीं होगा मैथ्स का लेवल। अच्छा, इतना कम मिलेगा? अच्छा, देखिए बेटा, मैंने पेन भी उठाई मैथ्स में। अरे वाह, मतलब आप कैलकुलेशन चीजें हैं? हाँ, बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड। अच्छा, मेंशुरेशन से क्वेश्चन थे क्या? क्षेत्रमिति से कोई क्वेश्चन नहीं था, और ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री नहीं, नहीं, और एक वो अपने क्षमता कार्य MDH का फॉर्मूला, एक क्वेश्चन था, एक आ ही रहा है उसका, तो क्वेश्चन है ना MDH वाला आ रहा है, और उसमें ट्रेन के क्वेश्चन थे क्या? नहीं, यूनिट कन्वर्जन के कुछ, कुल एक था, अनुपात में बनाना था 1 घंटे और 45 मिनट को। हाँ, तो ये कन्वर्जन तो हो गया है ना, उसको काई में कन्वर्ट था, अनुपात में करना। अच्छा, तो एक हाँ तो 5/5 वो उसको वो कन्वर्ट हो जाता था, है ना, अनुपात में बनाता था। ओके, ठीक है, और कुछ? चले, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिव्यू देने के लिए।